नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल आदित्य आर्ट्स क्लासेस में। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर से 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रह सकते हैं। सो गाइस, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को अवश्य मिलेंगे। सो आप लोग एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्योंकि आप लोग के लिए एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। सो हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, विश्व रंगमंच दिवस यानी वर्ल्ड थिएटर डे हर वर्ष मनाया जाता है, यानी कब मनाया जाता है गाइस? तो कब मनाया जाता है? 27 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी जो स्थापना हुआ, सो गाइस, इसकी जो स्थापना हुआ था 1961 में इसकी स्थापना हुआ था। और इसकी स्थापना का जो उद्देश्य, सो गाइस, था, इसका उद्देश्य था दुनिया भर में रंगमंच को बढ़ावा देने और लोगों को रंगमंच के सभी रूपों के मूल्यों से अवगत कराना ही मुख्य उद्देश्य था। किसका? विश्व रंगमंच का, ठीक है ना? तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 मार्च। हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सतीश गुजराल का निधन हुआ, वह थे कौन? यानी वो कौन थे? तो वो कौन थे? लेखक थे गाइस। वो कौन थे? लेखक थे। हम क्वेश्चन नंबर अब 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में कोरोना वायरस से निपटने हेतु भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ठीक है ना? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया था। कौन सा? ऑपरेशन नमस्ते, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो हर वर्ष मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है ना? यानी अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हर वर्ष जो मनाया जाता है 21 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य की, यानी किस राज्य की सरकार ने हाल ही में खेतों को बढ़ावा देने हेतु, सॉरी, खेलों को बढ़ावा देने हेतु माताओं के सहयोग से सामाजिक नवाचार की शुरुआत की? यानी किस राज्य की सरकार ने हाल ही में खेलों को बढ़ावा देने हेतु माताओं के सहयोग से सामाजिक नवाचार की शुरुआत की? तो हरियाणा सरकार ने। कहाँ सरकार ने गाइस? हरियाणा सरकार ने, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर, अब हम 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से किस शहर में हाल ही में भारत का पहला COVID-19 अस्पताल खुला? तो कहाँ खुला गाइस? मुंबई में खुला। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। कहाँ खुला? मुंबई में खुला, ठीक है। यानी इनमें से किस शहर में हाल ही में भारत का पहला COVID-19 अस्पताल खुला? तो कहाँ? मुंबई में। पॉब फ्री डिक्टेशन ऐसे नामक तकनीक विकसित की, ठीक है ना? ये हाल ही में किस भारतीय संस्था के वैज्ञानिकों ने COVID-19 की जांच हेतु, यानी क्या, प्रॉब फ्री डिटेक्शन ऐसे नामक तकनीकी विकसित की? तो IIT दिल्ली ने। कौन? IIT दिल्ली ने, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 8 की ओर चलते हैं। इनमें से किन दो व्यक्तियों को हाल ही में वर्ष 2020 के, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, यानी नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? इनमें से किन दो व्यक्तियों को हाल ही में वर्ष 2020 के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो कौन दो व्यक्ति वो है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका जो गाइस राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या, बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या, हिलेल फुरस्टेनबर्ग ग्रेगरी मारगुलिस, ठीक है ना? तो 8 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिलेल फुरस्टेनबर्ग ग्रेगरी मारगुलिस। क्वेश्चन नंबर हम 9 की ओर चलते हैं। 9 क्वेश्चन है, विश्व तपेदिक दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, विश्व तपेदिक दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 10 की ओर जाने से पहले आप लोगों को बताना चाहते हैं, प्लीज़ अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में कौन कमलनाथ के बाद, यानी हाल ही में कौन कमलनाथ के बाद मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है ना? तो कौन बने हैं? शिवराज सिंह चौहान बने हैं। कौन? शिवराज सिंह चौहान बने, यानी हाल ही में कौन कमलनाथ के बाद मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं? शिवराज सिंह चौहान। क्वेश्चन नंबर हम 11 की ओर चलेंगे, विश्व मौसम विज्ञान दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, यानी विश्व मौसम विज्ञान दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, यानी कब मनाया जाता है? तो 23 मार्च को मनाया जाता है। कब? 23 मार्च को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 12 की ओर चलेंगे, विश्व जल दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, यानी विश्व जल दिवस हर वर्ष
किस तारीख को मनाया जाता है वो आपको बताना है। तो 22 मार्च को यानी विश्व जल दिवस मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 13 की ओर चलते हैं। हाल ही में जारी विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है गाइस? 144वां स्थान मिला है।